मुझे हेल्पर की जरूरत है, मुझे ऑपरेटर की जरूरत है, मेरे पास इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। मेरे भरोसे रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं। किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो किसी किसी कंपनी में ओवर टाइम भी मिलती है, लेकिन ओवर टाइम वाले कंपनी हर कोई कंपनी अच्छी नहीं होती। देखो कभी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको आते हो तो हल्का काम कभी नहीं मिलेगा, वो उसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जॉब मिलते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, और आप सभी लोग के क्वेश्चंस रहते हैं उसके आंसर देना मेरा काम है। तो कैसे हो आप सभी लोग, सबसे पहले अपना अपने कमेंट में जरूर से रिप्लाई दीजिएगा कि कैसा है। तो यार आप सभी के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कई सारे लोग मुझे जॉब के लिए बोलते रहते हैं, मुझे पता रहता है यार कि आप सभी लोग जॉब करते रहते हैं, अगर जॉब मिलेगा तो वाकई में मैं आप सभी को बताऊंगा, जब नहीं मिलता है तो माफ करना, हालांकि कमेंट करते रहोगे तो इससे मुझे याद रहेगा, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल पाए हैं। हालांकि देखिए मैं अकेला हूं और मैं एक ही जगह काम करने वाला एक व्यक्ति हूं, और हालांकि मैं दर बदर भटकता नहीं तो मुझे ज़्यादा कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कहां से मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। जो मेरे दोस्त यार हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं तो मैं दूसरे को डाइवर्ट कर देता हूं, वो वहां से आपको जॉब दिला देते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं मिल पा रहे तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि जॉब मिलते हैं तो ही मैं आप सबको दे पाऊंगा, दिला पाऊंगा। हालांकि मैं जॉब देता नहीं हूं, मतलब मुझे कहीं से मैसेजेस आते हैं कि मुझे हेल्पर की जरूरत है, मुझे ऑपरेटर की जरूरत है, मेरे पास इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, आप मेरे पास भेज दो, रहता है तो मैं नंबर दे देता हूं, लेकिन जब नहीं आता है तो माफ करना इसके लिए, क्योंकि जॉब मिलना अभी के टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो मुश्किल इसलिए हो गया है कई लोग के कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रहते हैं। हालांकि मैं कई सारी कंपनियों में मतलब आता जाता नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में काम करता रहता हूं, कंपनियों में मैं आता जाता नहीं, जिसके कारण से जॉब वगैरह का मुझे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, यानी कि मुझे जॉब नहीं आता है मेरे लिए, मतलब मेरे पास जॉब बहुत ही कम समय आता रहता है। ठीक है, तो देखिए क्रेन का हेल्पर में जाना हो या ऑपरेटर में जाना हो, मैं आप सभी को सीधा सीधा एक रास्ता बताऊंगा, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो भी ठीक है। ठीक, कभी भी आप हेल्पर में काम कर रहे हो तो किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्वाइन हो जाओ, मेरे भरोसे रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं। तो मेरे भरोसे कम रहा कीजिए आप सभी लोग, कि कभी भी अगर आपको टावर क्रेन में जाना हो, उसकी हेल्परी करनी हो, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको जाकर किसी भी काम में लग जाना है। ठीक है, देखो कभी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको आते हो तो हल्का काम कभी नहीं मिलेगा, वो उसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जॉब मिलते हैं, वो भी किसी और काम में। तो वहां पे जाओगे मतलब ऐसा काम मिलेगा जो आपको ढोने वाला काम मिलेगा, उठाकर शिफ्टिंग करने वाला जैसा ऐसा काम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हो, वहां पे पता करो, वहां पे काम लगाने की कोशिश करो, खुद लगो, वहां पे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बैकअप के तौर पे मैं ये चीजें आप सभी को बता दे रहा हूँ कि ऐसा करके लग सकते हो। अगर मेरे पास वैकेंसी आएगी तो मैं जरूर से सेंड करूंगा नंबर, अगर नहीं रहेगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे पास वैसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाते हैं नंबर के लिए, थोड़े बहुत आते हैं कभी कभी, क्योंकि दो चार दोस्त हैं उनसे बात करता हूँ, उनके पास रहते हैं तो मैं उनके पास डाइवर्ट कर देता हूँ कुछ लोगों को, लेकिन बहुत ही कम ही लोग जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ के कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है काफी सारे लोग को पसंद नहीं आते। तो कंपनी का रूल्स रेगुलेशन मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आखिर क्या कुछ होता है कंपनियों में आने के बाद, क्या कंपनी में 12 घंटे से भी ज्यादा का काम करते हैं, क्या 24 घंटा भी करना पड़ता है, तो इस पे भी हम विचार करने वाले हैं। देखिए कभी भी कोई सा भी व्यक्ति 12 घंटा से ज्यादा काम नहीं करता है। ठीक है, अगर करता है तो खूब से खूब 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करता। अगर कोई हेल्पर हो, यानी कि टावर क्रेन का कोई हेल्पर सिग्नल मैन हो, अगर उसमें अगर जॉब करता है तो उसको भी 12-13 घंटा रुकना पड़ सकता है, वो भी बाय चांस, यानी कि मैं डेली कहता हूँ, बहुत सारी कंपनियों का नियम है डेली, कहीं कहीं पे हो पाता है, मतलब कहीं कहीं हो जाता है ऐसा, क्योंकि कंपनी के रूल्स रेगुलेशन ठीक नहीं होते। लेकिन जिस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन अच्छे होते हैं वहां पे 8 बजे तक मैक्सिमम आपको छोड़ दिया जाएगा काम के लिए, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। हालांकि किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो किसी किसी कंपनी में ओवर टाइम भी मिलती है, लेकिन ओवर टाइम वाले कंपनी हर कोई कंपनी अच्छी नहीं होती। कोई कोई कंपनी तो आपको 400 दिन का देता है, चलो 500-600 दिन का देता है, अगर ओटी वगैरह मिलाते हो तो 600-800 के आसपास जाता है। अगर आप काम करते हो,
अगर काम करने के दौरान अगर सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में अगर आ रही हो तो वो सैलरी आपके बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर सैलरी आपके 22,000 से नीचे आ जाती है, 20,000 के नीचे आ जाती है, तो कंपनी आपके लिए नहीं है बल्कि आपके हेल्पर के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी कंपनी में जाओ तो अच्छी सैलरी में आपको बिल्कुल भी जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 12 घंटा का अगर काम मिल रहा है तो उसे आराम भी करने की जरूरत है और अच्छी खासी पैसे की भी जरूरत है। हालांकि 12 घंटे का ड्यूटी में हम सिर यानी कि हम टावर क्रेन ऑपरेटर हैं, जो वर्कर होते हैं, लेबर वर्कर हम कह सकते हैं, वो हमसे अच्छे खासे सैलरी कमाते हैं, यानी कि 30,000 के आसपास जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बेगारी के बारे में, बेगारी उतनी कोई खास सैलरी नहीं कमाते हैं, यानी कि कॉन्क्रीटिंग में जो वर्कर होते हैं, मतलब कॉन्क्रीट खींचना या फिर सप्लाई में दे देना यानी कि कचरे वगैरह इकट्ठा करके फेंकना, उनकी कोई खास सैलरी नहीं हो पाती है। जब वो ओटी वगैरह करते हैं तब जाके बहुत ही मुश्किल से 20-25 उनके जाता होगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा काम में रहता होगा तो उनकी सैलरी सबसे बेस्ट होती है, यानी कि 25 क्रॉस हो जाती है, 20 क्रॉस हो जाते हैं और अच्छी खासी सैलरी उठाती है। यानी कि हम टावर क्रेन ऑपरेटर 22-25 वाले हमसे भी बेस्ट वो कमाते हैं। हालांकि वो मेहनत करते हैं, ज्यादा समय तक रुकते हैं, अच्छे काम करके अच्छे सैलरी गेन करते हैं। अब हमें देख लो हम कितना कमाते हैं, आपको पता ही होगा 25 के आसपास में मेरी सैलरी है, आसपास में नहीं नीचे ही है थोड़ा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ कंपनी में काफी समय से रह गया हूँ और मुझे अच्छा खासा बैकअप मिलता है, अच्छा खासा मेरा वक्त गुजर रहा है, अच्छे लोग रहते हैं, इसके लिए मुझे ज्यादा दूसरी कंपनियों में जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी के भी लपड़े रहते हैं और सैलरी तो सैलरी काम भी दुनिया भर का लेते हैं कोई कोई कंपनी, तो दुनिया भर का काम करने की जरूरत नहीं है, दूसरी कंपनी भी देख सकते हो। तो मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करूंगा कि किसी भी कंपनी में जाओ, अच्छे से काम करो, अच्छे से लगे रहो, अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करो। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि मुझे अगर किसी का भी कॉन्टेक्ट नंबर आता है तो मैं डाइवर्ट करूंगा आप सभी को, अगर नहीं आता तो उसके लिए मुझे माफ करना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।